श्रद्धालुओं के लिए योगी सरकार की बड़ी सौगात। यूपी का तीसरा और पश्चिमी यूपी का पहला रोपवे होगा शुरू। कहा जा रहा है कि चित्रकूट और विंध्याचल के बाद अब बरसाना में रोपवे बनेगा। अब बरसाना में उड़न खटोले का आनंद ले सकेंगे श्रद्धालु। तो 350 सीढ़ियां नहीं चढ़नी होंगी। बताया जा रहा है कि रोपवे की मदद से दर्शन किया जाएगा। महज 7 मिनट में ब्रह्मांचल पर्वत पर श्रद्धालु पहुंच जाएंगे। तो ब्रह्मांचल पर्वत पर विराजमान श्री जी के मंदिर में पहुंचेंगे। 25 करोड़ की लागत से बना है 210 मीटर लंबा रोपवे। योगी सरकार बताया जा रहा है कि योगी सरकार ब्रज में पर्यटन सुविधाओं में इजाफा कर रही है। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। 25 करोड़ की लागत से ये रोपवे बना है, 210 मीटर लंबा है। तो योगी सरकार ब्रज में पर्यटन सुविधाओं में इजाफा कर रही है। तो बरसाना में श्रद्धालुओं के लिए योगी सरकार की बड़ी सौगात दी गई है। कहा जा रहा है कि यूपी का तीसरा और पश्चिमी यूपी का पहला रोपवे शुरू होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ गए। सिमाब, योगी सरकार ने श्रद्धालुओं को ये बड़ी सौगात दी है। जी बिल्कुल, बड़ी सौगात बरसाना में श्रद्धालुओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। उत्तर प्रदेश का तीसरा और पश्चिमी यूपी का पहला रोपवे शुरू होने जा रहा है और ये काफी बड़ा रोपवे जो है वो तैयार किया जा रहा है। महज 7 मिनट में ब्रह्मांचल पर्वत पर विराजमान श्री जी के मंदिर पर ये रोपवे पहुंचेगा और बड़ी भीड़ चूंकि लगती है बरसाना में और मंदिर काफी ऊंचाई पे, इसलिए रोपवे की व्यवस्था की जा रही है। लगभग 25 करोड़ की लागत से ये 210 मीटर लंबा रोपवे तैयार किया जाएगा। योगी सरकार लगातार ब्रज में पर्यटन सुविधाओं पे जो है वो इजाफा करने का काम कर रही है। अब तक 350 सीढ़ियां चढ़नी होती थी लोगों को, लेकिन अब वो रोपवे की मदद से सीधे जो है वो मंदिर के दर्शन कर सकेंगे और वहां पर श्रद्धालु पहुंच सकेंगे। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ।